मेरे पास कैल्क इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने एनी डेस्क के जरिए उनके सिस्टम में इंस्टॉल भी करके दिखाया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। और इंस्टॉल तो कर लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन वो काम नहीं करता है। कैसे नहीं काम करता है कि अगर इसको इंस्टॉल करना है, कैल्क को आपको इंस्टॉल करना है, तो आपके विंडो में अगर एंटीवायरस इंस्टॉल है तो उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 10 चलाते हैं, तो वहां आपको विंडो डिफेंडर आपको थोड़ी देर के लिए उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि विंडो डिफेंडर, अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं, ये ऐसा सेटअप है कि किसी भी विंडो में चल जाएगा। विंडो 10 चला रहे हैं कि इसका डिफेंडर कैसे बंद करेंगे, बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो पैचर होता है यानी क्रैक फाइल जो होती है, वो जो है उसको विंडो डिफेंडर या एंटीवायरस जो है उसको एज ए वायरस उसको रीड करता है, तो इसलिए उसको डिलीट कर देता है, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए उसको बंद करना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। देखिए आपको चलना है, यहाँ चल स्टार्ट बटन पे चलना है, ये विंडो 10 है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेटिंग, ठीक है। चाहे आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ये सेटिंग जरूर आएगी। सेटिंग पे जाइए आप, यहाँ गए तो यहाँ लिखा हुआ अपडेट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे गए। और आपको एक बात ये भी बता दूं, इसके पहले अगर आपके पास एंटीवायरस वगैरह हो तो उसका आइकन यहाँ भी दिखा था, यहाँ देख रहे हैं शो हिडन आइकन दिखा है, लिख रहा है यहाँ पे आएगा, तो वहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा डिसेबल करने के लिए, तो वहां से डिसेबल कर सकते हैं एंटीवायरस अगर है तो, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि विंडो डिफेंडर कैसे थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पे चलना है विंडो सिक्योरिटी, यहाँ चलना है विंडो सिक्योरिटी पे गए, फिर यहाँ पे चलना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ चलना है। फिर उसके बाद में थोड़ा नीचे लेके आना स्क्रॉल करके, यहाँ मैंने इसको टर्न ऑफ कर रखा है, ठीक है ना, पहले से ही टर्न ऑफ कर रखा है, इसलिए ये ऐसा हाईलाइट नहीं दिखा रहा, नहीं तो यहाँ पे हाईलाइट दिखा था। यहाँ लिखा मैनेज सेटिंग, मैंने सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ लिखा है रियल टाइम प्रोटेक्शन इज ऑफ ऑफ ऑफ, यहाँ पे हर जगह मैंने ऑफ कर रखा है, यहाँ पे आप भी ये सारा ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद इसको आप हटा दीजिए यहाँ पे, तो अब जो है आपका सेटअप डिलीट नहीं होगा। पैचर यहाँ पे कैल्क रखा हुआ है, कैल्क में हम चलते हैं। आपको एक बात ये भी बता दूं कि आप जो है गेट इनटू पीसी से भी ले सकते हैं, उसमें जो है क्या होता है कि वो पोर्टेबल मिल जाएगा आपको, वहां से पोर्टेबल आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे तो अपने आप जो है वो चालू हो जाता है, उसमें कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप वहां से भी दे सकते हैं, एक बार वहां से भी ट्राई करके देख लीजिए आप। अब आप यहाँ पे चलेंगे कैल्क 2010, ठीक है, ये सेटअप पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं राइट क्लिक करते हैं इस पे, याद रखिए आप इस पे राइट क्लिक करना है और इस पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ये ध्यान रखना है, ये ओके कर देना है। अब ये जो है चालू हो गया, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से ओके, नेक्स्ट, यहाँ इंग्लिश ही रखना है, नहीं अरेबिक फारसी रख देंगे तो, अगर आप अरबी और फारसी जानने वाले में से हैं तो अरबी और फारसी भी कर देंगे, तो उसका मोड जो भी ऑप्शन आएगा अरबी या फारसी में आएगा, तो हमें इंग्लिश में चाहिए, हमें इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है। ये आपका सेटअप चल रहा है, ठीक है, थोड़ी देर लेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ, इसको आप ध्यान से समझते चलिएगा, एक ही वीडियो में आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना, आप चालू हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए ये बहुत ही मजेदार, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, आपका बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। फिनिश कर दिया हमने, फिनिश करने के बाद अभी कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे देखेंगे ना डेस्कटॉप पे ये के करके ब्लू कलर का के करके आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं जाना है, आपको जाना है क्रैक, यहाँ पे जाना है, और ये लिखा है कैल्क 2010 पैचर V2.2, यहाँ का राइट क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ भी करना है, ये सब ध्यान रखना, यहाँ पे करना है पैच, ये लिखा है पैच, यहाँ पैच कर दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ एक विंडो खुल के आएगा, किसी में आता है किसी में नहीं आता, यहाँ यस कर देना है, ये लिखा है डन, यहाँ डन हो गया, हो गया ना, हाँ हो गया, आप में भी हो गया आप मुझे बताना। इसको हमने बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया, अब इसकी कहानी खत्म। अब यहाँ पे चलेंगे, फर्स्ट टाइम क्या करना है आपको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ओके करना है,
और अब जो इंशाल्लाह ये जो है चालू हो जाएगा, ये अभी चालू हो गया। किसी किसी सिस्टम में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है। अभी अगर मान लीजिए ऐसे खुला हुआ है, ये सही से खुला नहीं है, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। किसी किसी सिस्टम में तुरंत झट से ओपन हो जाता है, ये हो सकता है आपने झट से ओपन हो जाए, मेरा सिस्टम बेकार हो आपका अच्छा हो। अब आप देख लीजिए भाई, आपके सामने ये ओपन होके बिल्कुल रेडी हो गया, काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक ना। उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अब इसमें कोई डाउट कोई शक नहीं है। और ना समझ में आए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, किसी किसी टाइम तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है सर। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।